तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी और स्टिफ है। इस हाल में हमें देखकर आपके माइंड में यही सवाल चल रहा होगा कि ये बंदा आखिर यहाँ कर क्या रहा है। व्हाई आई एम डूइंग दिस राइट, वेट लेट मी पॉज दिस हियर एंड टेल यू अ स्टोरी। लास्ट वीक मैं श्रवण दुर्गा हिल्स गया था, जो कि एशिया का नंबर वन मोनोलिथ हिल्स था, जिसकी हाइट 1226 मीटर थी। और उस ट्रैक को मैं काफ़ी इंजॉय किया था, मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था। तो फिर मैं सर्च करता हूँ अनदर मोनोलिथ हिल्स इन कर्नाटक, तो मेरे सामने फर्स्ट नंबर पर नेम आता है मधुगिरी फोर्ट, जिसके बारे में लोगों का कहना है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस ट्रैक नियर बाई बेंगलोर। और ये पिक्चर्स भी काफ़ी एडवेंचर और काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना मुझे इस ट्रैक पे जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और मैं फिर बेंगलोर से बस पकड़कर टुमकुर के लिए निकल जाता हूँ। और मधुगिरी हिल्स पहुंचने के बाद मैं इस 1199 मीटर की हाइट की ऊंची पहाड़ देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ। और इस ट्रैक से जो रिटर्न आ रहे थे उनसे मैं थोड़ी सी इस ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर अपना ट्रैक स्टार्ट करता हूँ। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, और मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर नॉर्मल इंसान अगर डायरेक्ट चढ़ेगा तो उसको ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा लगने वाला है, बट मैं क्या है कि कैमरा रखता हूँ, शूट करता हूँ, फिर उसको लेने जाता हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। फिर भी इस धूप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मज़ा आने वाला है। जागो रे, देखो रे, दुनिया ए, देखो रे। नीचे से जब हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये टॉप व्यू है, बट ये टॉप व्यू नहीं है, ये है जो कि काफ़ी बड़ा है। रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सावन दुर्गा से तो ये काफी स्टीफ एंड स्लिपरी है यार, आप देख सकते हैं। थक गए यार दोस्तों। हाफ कंप्लीट कर देंगे हम लोग ना, अभी 25% हुआ। हाँ, अभी इससे भी और टफ टफ है या इजी है पूरा? हाँ, ये अभी बहुत टफ होने वाला है जी। दिस इज जस्ट बिगनिंग। बिगनिंग हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची करी सी फूल पारे सी दुनिया ये। किसने फेंके हैं ये? कौन से रस्सी कहाँ बांधी? पैर है फंसा हुआ। ये मोस्ट डिफिकल्ट यहाँ का जो है ना सबसे डेंजरस है। टार्जन गर्ल, हेमा टार्जन गर्ल। ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि लास्ट है, लेकिन ये लास्ट नहीं है, इसके ऊपर और है। फिर वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कि ये लास्ट है, लेकिन वो भी लास्ट नहीं है। ये हिडन वन है, फुल्ली हिडन है। मतलब बंदा हमेशा मोटिवेट रहेगा कि ये लास्ट है, बट वहाँ चलेगा तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी और स्टिफ है। लग रहा था कि ये टॉप है, बट अभी पता नहीं कहाँ टॉप है। आई डोंट नो ब्रो। ये ऊंची ऊंची पहाड़ जो हमें काफ़ी थका दिया था, और ऊपर से मेरे पास पानी थोड़ा ही बचा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ लोगों से पानी मांग लिया। सभी के पास पानी खाली हो गया, इसलिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। Oh.
कोई रिटर्न आ रहे हैं उनके पास पानी अवेलेबल होगा तो मैं पानी मांगने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा होगा तो दे दो प्लीज़। क्या बोल रहा है? थक गया यार। नहीं जाएगा? हाँ बहुत थक गया। नहीं जाओगे? नहीं। नहीं जाओगे? नहीं यार, ये लास्ट बोल दिया यहीं पे। मेरा इधर ही ब्लॉक खत्म होता है, आप लोग जाइएगा। ठीक है कैमरा दे दो आप इधर, कहीं छांव में देके बैठो, हम लोग को एक दो घंटा लगेगा आने में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और टॉप व्यू, और टॉप व्यू का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, आप दिखाए आपको। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, लंबी चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। यार पहले के लोग जो थे विदाउट डोर और दरवाजा के रहते थे, पता नहीं कैसे, समझ सकते हो आप, वो भी इतना ऊपर रहना पॉसिबल नहीं है यार, नीचे जाते कैसे होंगे यार। हाँ एक दिन में हम लोग यही हाल है, बताओ आप। और ऊपर में हमें दिखता है ये छोटा सा गड्ढा और इसमें काफ़ी मछलियाँ होती हैं, बट ये लोगों के पास पानी का काफ़ी कमी था, और वैसे भी मेरे पास भी पानी नहीं था, बट मैं कुछ पानी अपने में से ही दे देता हूँ। और ये ट्रैक काफ़ी मज़ेदार रहा क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ते से गुजरना पड़ा। हाईली रिकमेंड है यार, आप यहाँ आ सकते हो, और बट सुबह ना काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये बेंगलोर का सबसे डेंजरस मोनोलिथ हिल्स है, काफ़ी रिस्की है। शूज का कुछ ये हाल हो चुका है, उतरने का देख सकते हैं यार कैसे। ये मैं, अच्छा हुआ कि मैं ये बूट पहन कर आ गया, ये रुक जा रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। तो फाइनली ये ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और आपको कैसी लगी वीडियो थोड़ा आप कमेंट जरूर कर दें, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब एंड एक कमेंट हमें हेल्प करेगा थोड़ा ग्रो करने में। तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक एंड शेयर जल्दी करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।